खबर रेवाड़ी से है, जहां विकास कार्यों की मांगों को लेकर वार्ड नंबर 12 की पार्षद रेखा देवी अपने पति सज्जन पहलवान और वार्डवासियों को लेकर कार्यालय पहुंच गई, जहां विकास कार्यों के मुद्दों को लेकर कार्यालय में उपस्थित नए चेयरपर्सन के पति और पार्षद के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। आपको बता दें कि हंगामा इतना बढ़ गया कि कार्यालय में पुलिस बुलानी पड़ी। साथ ही रेखा का आरोप है कि उसका वार्ड बहुत बड़ा है और विकास नहीं होने से मोहल्लावासी परेशान है। नगर परिषद में इसीलिए आई थी कि वार्ड नंबर 12 का विजय नगर से कोई काम नहीं हो रहा, और 6 महीने पहले भी इस कंप्लेंट लगाई थी कि कच्ची गली है जो पक्की हो जाएगी, वार्ड नंबर विजय नगर में 6 नंबर गली, और वो अब तक पूरी नहीं हुई। तो इसकी समस्या लेकर आए हुए हैं और आज उन्होंने अपनी बात रखी है, और चेयरमैन साहब अच्छी नहीं, और उनके पक्षी भाई साहब के सामने बात हुई है, तो ये बोल रहे हैं कि हो जाएगी। हमें ऐसे लपेचा दिया जा रहा है और काम पूरा हो नहीं रहा है। ऐसा कैप्टन अजय सिंह यादव से मेरा कोई वास्ता नहीं है। हम बीजेपी के टिकट पे मैडम वो बनी है, राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी की, उससे भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता है, और सबको साथ लेकर कोशिश करें। पूरे रेवाड़ी में सभी वार्डों में वोट मिली है और 26,000 वोट मिली है। ठीक है भाई, उस वार्ड नंबर 12 में 1500 वोट मिली है और कुल मिला के वोट 26,000 मिली है।